महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को वास्तविक शिवसेना घोषित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया है। शाह ने शनिवार को कहा कि आयोग के इस फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दरअसल शिवसेना में बीते साल हुई टूट के बाद चुनाव आयोग ने हाल ही में पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को सौंप दिया है। इसी के साथ महाराष्ट्र में बीते कई दिनों से जारी असली शिवसेना नकली शिवसेना के विवाद पर ब्रेक लग गया। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर आक्रामक रुख अख्तियार किया है। उन्होंने इसे शिवसेना के नाम और निशान की चोरी करार दिया है। वहीं बीते दिन जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किताब मोदी @20 के मराठी संस्करण के विमोचन के मौके पर महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को वास्तविक शिवसेना घोषित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत किया। शाह ने कहा कि आयोग के इस फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कल ही सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग झूठ का सहारा लेकर चिल्लाते थे आज उन्हें पता चल गया है कि सच्चाई किसके पक्ष में है। कल चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। कल ही सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। और आपकी आवाज ऐसी होगी क्या? चलेगी ऐसी आवाज? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और महाराष्ट्र की सभी लोकसभा जीतने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए, मुट्ठी बींचिए सभी लोग, और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत। वहीं उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर शाह ने यह भी दोहराया कि 2019 में विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद साझा करने पर कोई सहमति नहीं बनी थी। मालूम हो कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित करने के बाद शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया था। बता दें कि इस दौरान अमित शाह कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार पर निशाना साधते भी नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि UPA सरकार ऐसी सरकार थी जिसमें हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और कोई मंत्री प्रधानमंत्री को मानता नहीं था। उस समय आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठिए घुसकर हमारे जवानों के सिर काट कर ले जाते थे और दिल्ली के दरबार में चुप्पी छाई रहती थी। उन्होंने आगे कहा कि 2014 से 2022 का कालखंड का जब कभी भी भारत की चुनी हुई सरकारों का इतिहास लिखा जाएगा तो स्वर्णमय अक्षरों से लिखा जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।